हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। पूरा बिहार कोरोना से कराह रहा है। पूरे देश ने आज कोरोना का 64,000 से ज़्यादा मामला सामने आया है। बिहार का भी कुछ इसी तरह का हाल है। ऐसे में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने पहल की है, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे जनता को ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया कराएं। जिसके बाद आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता इसमें जुट गए हैं। इसी के तहत हाजीपुर में ऑक्सीजन बैंक का निर्माण किया गया है और इस काम को मुकाम तक पहुंचाया है आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। पूरे कोरोना काल में आप लोग लगातार अपने टीवी नेटवर्क के माध्यम से, रेड नेटवर्क के माध्यम से पूरे बिहार में आप लोगों ने कोरोना का जो कहर है उसको आप लोगों ने अपने टीवी के माध्यम से दिखाने का काम किया है और बिहार की जनता को एक संदेश दिया है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर बेवजह निकलने पर संक्रमण की खतरा बढ़ सकती है। इसके लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। अभी हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में जहाँ जहाँ बाढ़ और कोरोना का कहर बढ़ा है उसका दौरा कर रहे हैं, जमीन स्तर पर जाकर दौरा कर रहे हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 145 दिन के बाद हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं परसों तरसों से। तो इससे आपको क्या लगता है कि बिहार को अपने भाग भरोसे बिहार की जनता को छोड़ दिया गया है कि आप मरे तो अपने भरोसे, जिए तो अपने भरोसे? जिस तरह से मुकेश जी, बिहार में कोरोना का कहर है, हर रोज़ मामला बढ़ रहा है, सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं, ऐसे में आपने हाजीपुर में ऑक्सीजन बैंक का जो निर्माण किया है, ये ऑक्सीजन बैंक किस तरह लोगों को काम आएगा, पहले इसके बारे में बताएं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कोरोना काल में, चाहे वो दवाई का मामला हो या फिर ऑक्सीजन का मामला हो या फिर राहत सामग्री बाढ़ में राहत सामग्री बांटने का हो, वो सब अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हुए हैं कि सब अपने अपने क्षेत्र में जितना ज़रूरत हो उतना आप लोग मदद कीजिए। और हम लोग कल से ऑक्सीजन बैंक का व्यवस्था किए हैं हाजीपुर में, जिसका कि ऑक्सीजन का जो भी कॉल आएगा टोल फ्री नंबर एक जारी कर रहे हैं। जिसको भी ज़रूरत होगा, जो पॉजिटिव केसेस हैं, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल में आप जाएंगे तो अस्पताल में जल्दी, जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव और निगेटिव नहीं रहता है तो आपको अस्पताल वाले लोग ऑक्सीजन और ये उपचार नहीं कर पाते हैं। जब तक आपका रिपोर्ट नहीं देखेंगे, जहाँ उसका व्यवस्था है कोरोना का इलाज का, वहीं वो लोग रेफर करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी मरीज़ हैं जो घर में रहकर भी ऑक्सीजन अगर पर्याप्त रूप में अगर मिल जाए तो वो अपना इलाज संभव हो सकता है उनका खुद से। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेक्नीशियन का व्यवस्था किया है और पूरे हाजीपुर वैशाली ज़िला में जितना संभव हो सकता है हम लोग ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। और वो भी ऑक्सीजन जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर जाके और टेक्नीशियन से उनको मास्क, ऑक्सीजन और दवाई देने का काम करेंगे। मुकेश जी, अभी चुनावी वर्ष है, 2-3 महीने के बाद चुनाव होने हैं बिहार में। आप खुद एक प्रत्याशी के तौर पे हैं, दावेदार हैं, और भी आपके सहयोगी लोग हैं जो आपके पार्टी में हैं, जो दावा कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो आपके दावे कितने पुख्ता हैं? कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को काम पर भरोसा है और जो युवा लोग उनके टीम में काम कर रहे हैं उन लोगों को, सबको तो टिकट नहीं संभव है, लेकिन हमको लगता है कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पर हम लोग को भरोसा है कि हम लोग को इस बार मैदान में उतारेंगे और हम लोग विजय हासिल करके जीत उनके झोली में देने का काम करेंगे। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से बीजेपी के विधायक है, लेकिन लगातार जो देखिएगा आपको सड़क जो है वो खंडहर बना हुआ है, आपको हॉस्पिटल का स्थिति सही नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, और तो और यहाँ पे आपको बेरोज़गारी इतना बढ़ गया है
कि हमारे यहाँ रोज़गार के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता जाते हैं। बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, लेकिन एक भी रोजी रोज़गार का उपाय यहाँ पर नहीं किए, आज तक नहीं हुआ है। और अब भी कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, अरे हम तो कहते हैं कि बिहार में बाहर है गोलियों की बौछार है और अपराधियों की सरकार है, आए दिन हत्या और लूट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ा है जिसके कारण और क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। योगेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 20 सालों से हाजीपुर में बीजेपी के विधायक हैं और सड़क, गली और जो तमाम सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं होती है उसकी भी वे पूर्ति नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि जो आपकी पार्टी है वो सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाई। और ये भी जैसा मैं जानता हूँ हाजीपुर को बारे में कि अगर सही प्रत्याशी आरजेडी उतारती तो चुनाव आप लोग की पार्टी ज़रूर जीतती, क्योंकि संख्या बल आप लोग के पास ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है, बावजूद इसके बीजेपी के लोग सीट ले जाते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव उस गलती को इस बार नहीं दोहराएंगे? तेजस्वी यादव जी युवा हैं और युवाओं को इस बार मौका देंगे। लगातार बीजेपी के लोग और जदयू के लोग युवाओं को ठगने का काम किए कि अब की बार युवा सरकार, तो अब की बार ये होगा, अब की बार वो करेंगे, लेकिन लगातार युवाओं को ठगने का काम किया है। इस बार युवाओं जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में युवा सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं। और जब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे तो बिहार से बेरोजगारी सबसे पहला प्राथमिकता होगा, बेरोजगारी हटाने का, और लोगों को यहाँ पे फैक्ट्री में, यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोज़गार देने का हम लोग काम करेंगे। उम्मीद है ऐसा कि मतलब आपको जो मतलब आपकी जो पार्टी है वो सही प्रत्याशी का चुनाव करेगी? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी पूरे सोच समझ कर सभी जगह पर टिकट जो है वो अच्छे लोगों को, अच्छे कैंडिडेट को देंगे, ताकि जिताऊ कैंडिडेट देंगे, न कि बीमारू कैंडिडेट देंगे। और अब की बार युवा सरकार, अब की बार युवा सरकार। अभी लॉकडाउन चल रहा था, पूरे लॉकडाउन में आपने लालू की रसोई चलाई हाजीपुर में, और कम से कम हर रोज़ 1000 से ज़्यादा गरीब गुरबा लोगों को खाना खिलाया, राशन मुहैया कराया। और ये तेजस्वी यादव भी लगातार देश के कोने कोने में राशन पहुंचाए। क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार सरकार पूरे कोरोना काल में मौन और शिथिल रही, कहीं ना कहीं जनता के बीच ये संदेश गया है कि तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के भविष्य के तौर पर जो मौजूदा सरकार है उससे बेहतर साबित होंगे? बिल्कुल, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली में रह कर भी, यहाँ के लोग जितने दिल्ली में फंसे थे उनको खाना का सामान उपलब्ध कराते थे, चाहे वो सैकड़ों की संख्या में हो या हज़ारों की संख्या में। जब भी हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को खबर किया कि आज हाजीपुर का लोग फंसा है, कहीं राघोपुर का लोग था, महुआ का लोग था, लालगंज का था, भभुआ का था, कैमूर का था, उस लोगों को उसके घर पर अनाज, उसके डेरा में अनाज पहुँचाने का काम किए हैं, एक एक बार में 200-300 लोगों का 15 दिन का 20 दिन का अनाज देने का काम किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री कान में तेल रखकर सो रहे थे उस समय, 145 दिन के बाद कुंभकर्णी नींद के सोने के बाद अभी उठे हैं, तो वो हवाई जहाज़ से मुआयना कर रहे हैं। हवाई जहाज़ से भूख का जो है वो रोटी से मिटता है, आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोगों को रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी का इतना आलम बढ़ा हुआ है कि लोग भुखमरी के कगार पर, कोरोना से तो बाद में मरेगा, अभी लोग बेरोज़गारी और भुखमरी से मरने को। आपने कहा कि ऑक्सीजन बैंक के बारे में बात हो रही थी कि ऑक्सीजन बैंक जो आपने हाजीपुर में खोला है, ये ऑक्सीजन बैंक के जरिए क्या सरकारी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी? बिल्कुल नहीं, हम लोग आम आदमी के बीच में जाकर और जिसको ज़रूरत होगा उसको हम लोग ऑक्सीजन देंगे। सरकार अपना क्या प्रायोरिटी है उसका अपना संभाले, हम लोग एक आम आदमी होने के नाते, राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही होने के नाते आम आदमी को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे और ऑक्सीजन के साथ साथ दवाई भी देने का काम करेंगे। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी नेता मुकेश रोशन जी, जो हाजीपुर में ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था किए हैं। और जब से
कहें कि पूरा कोरोना काल से ये लगातार हाजीपुर में लालू की रसोई चलाकर उन गरीब गुरवा के मुंह में निवाला डाल रहे हैं, जो जिनका निवाला कोरोना काल में छिन गया है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, हाजीपुर। हम हैं रैड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।